फर्मी जमीन घोटाले मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से 3 बार समन जारी किया गया। पहले समन पर उन्हें 14 अगस्त को ईडी कार्यालय में पेश होना था, दूसरे समन में उन्हें 24 अगस्त को ईडी कार्यालय में पेश होना था और तीसरा समन में उन्हें 9 सितंबर को ईडी कार्यालय में पेश होना था, मगर वो तीनों ही यहाँ पर जो उन्हें समन जारी किया गया था उसमें वो नहीं पहुँचे। पहले समन में उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि 15 अगस्त के कई सारी बैठकें जो है वो पहले से ही निर्धारित है और 15 अगस्त को झंडोत्तोलन करना है तो उसके लिए भी कई सारी तैयारियों में वो लगे हुए हैं, इसलिए वो पहले समन पर जा नहीं पहुँच पाए थे। उन्होंने वहाँ पर अपने सीएमओ से पत्र भिजवाया था और एक व्यक्ति जो है वो वहाँ पर पहुँचा और उसने पत्र वहाँ पर दिया ईडी कार्यालय में। दूसरे समन की अगर बात करेंगे जो कि 24 अगस्त को था, उस दिन भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे। उन्होंने एक पत्र जो है वो सीएमओ से भिजवाया और उसमें साफ तौर पर कहा कि ये जो समन है उसे वो वापस ले ले क्योंकि ये पूरी तरीके से गलत है और सरकार को गिराने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि उनकी ओर से लगातार कहा जा रहा था कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग जो है वो केंद्र सरकार कर रही है। क्योंकि लगातार अगर हम लोग बात करेंगे 9 सितंबर की, तो 9 सितंबर को भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के समन पर जोनल कार्यालय नहीं पहुंचे। उस दौरान भी उनके ओर से पत्र जो है वो दिया गया और साफ कहा गया कि अब वो कानूनी प्रक्रिया का यहां पर सहयोग लेंगे और अब विधि विशेषज्ञों से बातचीत की गई, यहां पर तमाम लोगों के राय के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल किया जिसको लेकर के सुनवाई जो है वो शुक्रवार को हुई। आपको बताना चाहेंगे कि लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा रिट पिटीशन पर शुक्रवार को सुनवाई हुई, न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस और न्यायाधीश बेला एम त्रिवेदी की खंडपीठ में यहां पर सुनवाई याचिका पर सुनवाई हुई, साथ ही साथ जिसके बाद वकील के द्वारा ये साफ तौर पर बताया गया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये आग्रह किया था कि यहाँ पर उनके वकील की तबीयत ख़राब है। आपको बताना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दिया था जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि उनके वकील की तबीयत ख़राब है और वो सुनवाई में शामिल नहीं हो पाएंगे, इसलिए दूसरी तारीख दी जाए, मगर सुनवाई हुई और उसके बाद फिर यहाँ पर दूसरी तारीख जो है वो दी गई है 18 सितंबर को। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के रिट पिटीशन पर सुनवाई होनी है और ये ईडी के खिलाफ में उन्होंने यहाँ पर रिट पिटीशन फाइल किया था। लगातार जिस तरीके से उनकी ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि ईडी एक तरीके से यहाँ पर उन्हें परेशान करने का प्रयास कर रही है, ज़मीन घोटाले मामले में लगातार उन्हें समन जारी किया जा रहा है, तो ये माना जा रहा है कि ये 14 सितंबर जो है उससे पहले ईडी की ओर से चौथा समन भी जारी किया जा सकता है। ये बातें जो है वो लगातार सामने आ रही है, क्या कुछ निकल कर आता है, क्या इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास चौथा समन जाता है या फिर सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ जो निर्णय है वो क्या आता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। 18 सितंबर को आखिर इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या कुछ बातें निकल कर आती है ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, सहयोगी विशाल के साथ मैं पूजा, लाइव इंडिया रांची।